of you, we already completed our chapter. So now today we are going to discuss about exercise of this chapter. So our first question is, the work people do to earn money is called an occupation. Okay, money earn करने के लिए जो work किया जाता है उस work को अपन क्या कहेंगे? Occupation. Okay, now ए प्लम्बर रिपेयर्स, एक जो प्लम्बर है वो क्या रिपेयर करने का वर्क करता है? टैप्स. ओके, इसी टाइप से फर्नीचर इज मेड बाय, फर्नीचर इससे मेड होता है, कौन बनाता है फर्नीचर? कारपेंटर. मेड बाय कारपेंटर. द वर्क डन एट होम इज कॉल्ड, होम पे जो वर्क किया जाता है इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक वर्क्स. तो उनको क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक वर्क्स. ओके, इसी टाइप से फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. ओके, ए ट्रीट्स सिक एंड इंजर्ड पीपल. ठीक है, सिक एंड इंजर्ड पीपल को कौन ट्रीट करता है? सो दिस इज डॉक्टर. नाउ ए कॉबलर मेंड्स, जो कॉबलर है वो क्या मेंड करता है? शूज. शूज को ठीक करने का वर्क करता है. इसी टाइप से ए कुक्स फूड इन द हाउस, एक जो कुक होता है वो हाउस के अंदर फूड कुक करने का वर्क करता है. ए सेल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, फ्रूट एंड वेजिटेबल सेल करने वाला जो होता है उसको आप क्या कहोगे? ग्रीन ग्रोसर. ए ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. लाइक दिस चाइल्ड लेबर इज अगेंस्ट द, जो चाइल्ड लेबर है वो क्या है? अगेंस्ट द लॉ. ओके, इट मीन्स ये अलाउ नहीं है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, next we have is whose help will you take. okay, to study in school, school mein study karne ke liye aapke kaun help karta hai? teacher. if you are sick, agar aap bimar ho jate ho to aapko treat kaun karega? doctor. to get your car repaired, aapki jo car hai usko repair kaun karega? this is mechanic. to get your shoes repaired, आपके शूज जो है वो रिपेयर कौन करेगा? कॉबलर. ओके, ना नेक्स्ट वी हैव इज वर्ड इज एन ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन क्या होता है? ठीक है, देन दिस ऑल आर द हार्ड वर्ड्स. नाउ एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. कोई भी वर्क जो मनी अर्न करने के लिए किया जाता है उस वर्क को आप क्या कहोगे? ऑक्यूपेशन. वो वर्क क्या हो गया आपका? ऑक्यूपेशन. नेक्स्ट वी हैव इज हु इज ए प्रोफेशनल. प्रोफेशनल कौन होता है? राइट द नेम्स ऑफ ए फ्यू प्रोफेशन. प्रोफेशनल आप किसको कहोगे? ठीक है, और कुछ प्रोफेशंस के आपको नेम नोट करने. ओके, नाउ जॉब्स दैट हैड स्पेशल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर कॉल्ड प्रोफेशंस. ओके, ऐसी जॉब्स जहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग करने की नीड होती है, इस टाइप की जॉब्स को आप क्या कहोगे? प्रोफेशनल्स, प्रोफेशंस. ओके, पीपल हु डू दोज जॉब्स आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स, और उनको आप कहोगे प्रोफेशन. ठीक है, और इस प्रोफेशन को करने वाले जो पीपल्स होते हैं उन पीपल्स को आप क्या कहोगे? प्रोफेशनल्स. दीज इंक्लूड डॉक्टर, और ये प्रोफेशनल्स कौन कौन से हो गए? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट, टीचर्स. दीज ऑल आर प्रोफेशनल्स. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट डज ए डोमेस्टिक हेल्प डू. जो डोमेस्टिक हेल्प है वो क्या करता है? ओके, देन डोमेस्टिक हेल्प क्लीन हाउस एंड यूटेंसिल्स. डोमेस्टिक हेल्प जो है वो क्या होती है? क्लीन हाउस, हाउस को क्लीन करने का वर्क होता है, एंड यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स ये हाउस को क्लीन करने का वर्क हो गया. कुकिंग फूड, ये क्या हो जाएगा? कुकिंग फूड, फूड बनाने का वर्क हो गया.
गार्डनिंग, ओके, गार्डन में वर्क जो करते हो, प्लांट्स की केयर वगैरह करना, वॉचिंग ए हाउस, और हाउस को वॉच करना हो गया, इट मीन्स वॉचमैन। तो ये सारे आपके क्या हो गए, डोमेस्टिक हेल्प। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या होता है, देन एज यू कैन सी हियर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14, ऐसे चिल्ड्रेन जिनकी एज 14 से कम है, जो टू अर्न मनी, ओके, 14 की एज से, 14 से कम एज है और इनको वर्क करना पड़ता है टू अर्न मनी, मनी अर्न करने के लिए इनको वर्क करना पड़ता है, एज कॉल्ड चाइल्ड लेबर। तो इस टाइप के जो चाइल्ड हैं उनको आप क्या कहोगे, चाइल्ड लेबर, ओके। देन नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ सम जॉब्स दैट रिक्वायर मोर मेंटल वर्क एंड ट्रेनिंग, ऐसे जॉब्स जिसमें मेंटली उसके लिए अपने को प्रिपेयर होना पड़ता है और अच्छी ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, ओके। नाउ जॉब्स दैट रिक्वायर मोर मेंटल वर्क, जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करना होता है, एंड ट्रेनिंग इंक्लूड जॉब ऑफ, ठीक है, और ट्रेनिंग की नीड होती है, और ऐसे जॉब कौन कौन से होंगे, इंक्लूड टीचर, पायलट, डॉक्टर एट्सेट्रा, ये जो जॉब होती है इनमें स्पेशल ट्रेनिंग की नीड होती है, ओके। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द पीपल विद द थिंग्स दे रिलेटेड टू, यहाँ पे कुछ थिंग्स आपको दी हुई है, कुछ वर्क दिया हुआ है और उनसे रिलेटेड जो थिंग्स हैं उसको आपको मैच करना है। फर्स्ट वी हैव इट, दिस इज मैच आवर शूज, सो आप इनको शूज से मैच कर दोगे। दिस इज न्यूज़पेपर वेंडर, तो आप इसको किससे मैच करोगे, न्यूज़पेपर से मैच कर दोगे। देन नेक्स्ट वी हैव इज हाउस क्लीनर, तो इसको किसकी नीड होती है, ब्रूम। नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन को आप किससे कर दोगे, दीज टूल्स। नेक्स्ट वी हैव इज वेजिटेबल सेलर, वेजिटेबल सेलर, ओके, तो आप इनको ग्रीन ग्रोसरी बोल सकते हो, तो आप इनको से मैच कर दोगे। नेक्स्ट वी हैव इज कारपेंटर, तो ये क्या करता है, इसको इन टूल्स की नीड होती है, तो आप इनको इनसे मैच कर दोगे। अंडरस्टैंड, पीपल इन सम प्रोफेशन वेयर यूनिफॉर्म टू वर्क, कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो अपना वर्क करने के लिए उनको यूनिफॉर्म वेयर करनी होती है। व्हाई डू यू थिंक दे वेयर यूनिफॉर्म, तो उनको यूनिफॉर्म क्यों वेयर करनी पड़ती है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, तो अपने व्यूज आपको लिखना है, ओके। देन टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, गेस्ट्स इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन एंड आस्क देम हाउ दे लर्न देयर स्किल्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने फैमिली मेम्बर से बात करनी है और उनको उनमें डिफरेंट ऑक्यूपेशंस जो हैं उनके बारे में डिस्कस करना है और उनसे आपको पूछना है कि उन्होंने अपनी ये जो ऑक्यूपेशन स्किल्स है वो कैसे उन्होंने प्रिपेयर की। नेक्स्ट वी हैव इज मेक ए लिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशनल्स, 5 ऑक्यूपेशन और प्रोफेशनल से आपको लिस्ट बनानी है, फॉलोड बाय द पीपल इन योर नेबरहुड, जो आपके नेबरहुड में होता है, ठीक है। कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर क्लासमेट्स एंड डिस्कस इट इन द क्लास, और आपको क्या करना है, आपने जो भी अपनी लिस्ट बनाई है उसको अपने क्लासमेट्स के साथ में डिस्कस करना है, ओके। सो and your chapter is completed and in our next class we will discuss about our next chapter. So, thank you.